नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस। वीडियो में हम बात करेंगे चार ऐप्स के बारे में जिससे आप स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट रह सकते हैं और स्टॉक के बारे में जो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। हमारे स्टॉक मार्केट सबसे सक्सेसफुल जो इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट जी, वो डेली चार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए लगातार अपडेट रहना कितना इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी स्टॉक के बारे में और जो शेयर मार्केट है उसके बारे में अपडेट रहने के लिए आप इन चार ऐप का यूज कर सकते हैं और लगातार अपडेट रह सकते। सबसे पहला ऐप है हमारा मनी कंट्रोल, तो मनी कंट्रोल का ऐप यूज कर सकते हैं जो कि बेहतरीन ऐप है, स्टॉक मार्केट सबसे बेहतरीन ऐप में से एक है और इसमें आप जो एक स्टॉक के बारे में हर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप मार्केट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, इंडियन इंडेक्स के बारे में ले सकते हैं, ग्लोबल इंडेक्स के बारे में ले सकते हैं, मार्केट मूवर क्लिक करके आप मार्केट में जो भी मूवमेंट है उसके बारे में, IPO के बारे में ले सकते हैं, FIDIs एक्टिविटी क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड एक्टिविटी क्या है सारा ले सकते हैं, ब्रोकर्स का जो रिसर्च है वो ले सकते हैं, आप किसी भी स्टॉक के जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो जान सकते हैं, उसके बैलेंस शीट के बारे में जान सकते हैं, मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन एक स्टॉक रिलेटेड जितने भी बेसिक इंफॉर्मेशन है सारा ले सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है, यहां पर आपको सारे इंडेक्स यहां पर दिख जाएंगे, इंडियन इंडेक्स, वहीं लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको सारे ग्लोबल इंडेक्स और इंडेक्स पर क्लिक करके आप उस इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं सारे स्टॉक के बारे में जान सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 पर क्लिक करेंगे तो निफ्टी के सारे स्टॉक्स आपको आ जाएंगे, यहाँ पे स्टॉक में जाएंगे तो देखते हैं निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स हैं, इसी तरह कोई भी इंडेक्स है उस पर क्लिक करके उसके सारे स्टॉक्स के बारे में आप जान सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा बेहतरीन ऐप है वो है ET Markets बहुत ही बेहतरीन ऐप है। आप जो है मनी कंट्रोल के साथ साथ ET Markets यूज़ कर सकते हैं या इसके बाद हम और दो ऐप बताएंगे उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सारे इंडेक्स मिल जाते हैं और गोल्ड किस रेट पे चल रहा है, US डॉलर INR के वर्सेस क्या चल रहा है, ये सारा चीज़ जान सकते हैं। नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट अपना क्रिएट कर सकते हैं और सारे स्टॉक्स लगा सकते हैं और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा जान सकते हैं। जैसे आपको TCS के बारे में जानना हो, इन्फोसिस के बारे में जानना हो तो आप उन सारे स्टॉक्स के बारे में यहाँ से जान सकते हैं। जैसे TCS पर क्लिक करेंगे आप स्टॉक्स के बारे में, इसमें जो भी न्यूज है जो भी रिकमेंडेशन है उसके बारे में यहां से जान सकते हैं। देखते हैं रिकमेंडेशन में TCS टारगेट जो है 2020 रुपया है और यहां पर अलग अलग ब्रोकरेज का जो टारगेट है देखते हैं 2254 रुपया है। यहां पर आप फाइनेंशियल कॉम्पेरिजन पर जाकर के फाइनेंशियल कॉम्पेरिजन कर सकते हैं TCS का और सारे जो अलग अलग स्टॉक्स हैं उसका साथ कॉम्पेरिजन कर सकते हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट जान सकते हैं, इसके परफॉर्मेंस को जान सकते हैं। देखते हैं परफॉर्मेंस में आप यहां पर सारे स्टॉक के साथ इस सेक्टर के जो लीडर स्टॉक्स है उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न जान सकते हैं और जितने भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है यहां पर देखते हैं ब्रीफ में आप जान सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा बेहतरीन ऐप। तीसरा है हमारा मार्केट मोजो। दोस्तों मार्केट्स मोजो ये भी एक बेहतरीन ऐप है और इसमें भी आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन मिल जाते हैं अलग अलग इन्वेस्टर के, अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के, और यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं मार्केट मोजो में देखते हैं यहाँ पर आपको ये इस तरह का इंटरफेस दिखता है। यहाँ पर आपको सारे इंडेक्स उसमें जो टॉप गेनर है टॉप लूजर है सारे स्टॉक्स आपको देखने मिल जाएंगे, 52 वीक हाई कौन चल रहा है, 52 वीक लो कौन चल रहा है निफ्टी 500 में, वो सारे स्टॉक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं आप सारे स्टॉक्स के बारे में जान सकते हैं, मार्केट के बारे में जान सकते हैं। तो ये तीसरा बेहतरीन ऐप है जिससे आप स्टॉक मार्केट के बारे में लगातार अपडेट रह सकते हैं। और चौथा जो है हमारा वो है स्टॉक एज ये भी एक बेहतरीन ऐप है, इसमें भी आपको बहुत सारे रिपोर्ट मिल जाते हैं मार्केट के बारे में, आप यहां पर देख सकते हैं न्यूज़ एंड अपडेट ले सकते हैं, FIDIs एक्टिविटी क्या है, इंडेक्स के में जो भी स्टॉक्स है उसके बारे में न्यूज़ ले सकते हैं और जो भी ब्लॉक डील बल्क डील जो भी डील हुआ है वो सारा जान सकते हैं, सेक्टर में हमारा किस तरह का अभी चल रहा है, कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है कौन सा नहीं वो जान सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में जान सकते हैं, IPO के बारे में जान सकते हैं और जो हमारे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है मतलब जो हमारे स्टॉक मार्केट के बेहतरीन इन्वेस्टर है उसके बारे में जान सकते हैं, उनके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है वो सारा यहां से जान सकते हैं आप। तो इतना बेहतरीन ऐप है ये स्टॉक एज, आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं एनालिसिस में यहाँ पर आप जो है इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ क्या होना चाहिए, अभी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देख सकते हैं जो आपको हमने पहले ही बताया कि जो भी इन्वेस्टर हैं हमारा राकेश झुनझुनवाला जी, राधा कृष्ण दबानी, उनके पोर्टफोलियो में अभी कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कौन सा स्टॉक ऐड हुए हैं, कौन सा स्टॉक उन्होंने सेल किया है वो सारा जान सकते हैं। और यहाँ से आप स्टॉक के बारे में सारा न्यूज़ ले सकते हैं, अभी क्या न्यूज़ है उस स्टॉक में। उसके बाद यहाँ म्यूचुअल फंड के बारे में सब चीज़ जान सकते हैं,
यहाँ पर आप बहुत तरह के स्टॉक मार्केट के बारे में कोर्सेस हैं उससे सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो यह सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो ये चार ऐप से आप ले सकते हैं। तो ये चार बेहतरीन ऐप है, देख सकते हैं यहाँ पर ईटी मार्केट्स, मनी कंट्रोल, मार्केट्स मोजो, स्टॉकेज, ये चार बेहतरीन ऐप है। इसमें सबसे पहले तो आपको मनी कंट्रोल सबसे बेहतरीन ऐप है। इसके साथ साथ आप जो है इन चारों ऐप का ज़रूर यूज करें, मतलब मनी कंट्रोल के साथ साथ ये तीनों ऐप को भी अपने पास रखें, क्योंकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट आपका मिस नहीं होना चाहिए मार्केट के बारे में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो।